नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं हूं प्रवीण बंसल हम पढ़ रहे हैं कक्षा ग्यारहवीं लेखाशास्त्र अध्याय पाँच बैंक समाधान विवरण यह हमारा तीसरा एपिसोड है बैंक समाधान विवरण के हम दो एपिसोड पहले देख चुके हैं जिसमें हमने जाना कि कैशबुक के बैंक स्तंभ और पासबुक के शेष कभी कभार आपस में मैच नहीं करते और इन दोनों को एक जैसा शेष बताना चाहिए कुछ गलतियां हैं जो हो जाती हैं और जिन गलतियों को हम बैंक समाधान विवरण में प्रस्तुत करते हैं और वह ये समझाती है कि इन गलतियों के कारण यह कैशबुक और पासबुक का शेष आपस में मैच नहीं कर रहे जिसके कई प्रश्नों के ऊपर हमने चर्चा करी आज फिर से हम कुछ प्रश्न करेंगे और इस अध्याय को समाप्त करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँ अधिविकर्ष का अर्थ क्या है पहली प्रविष्टि में लिखा गया पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष मतलब ओवरड्राफ्ट। देखिए व्यापारियों को अपने करंट अकाउंट में मतलब चालू खाते में कई बार पैसे डालने होते हैं निकालने होते हैं चेक देने होते हैं और लोगों से चेक लेने होते हैं बैंक में इतनी सारी एंट्रीज़ एक व्यापारी किया करता है तो बैंक कुछ चुनिंदा व्यापारियों को एक सुविधा देता है कि यदि आपके खाते में कुछ पैसे कम भी होंगे तो भी हम आपके चेक क्लियर कर देंगे जैसे मान लीजिए आपके बैंक में बीस हजार रुपये हैं और आपने अपने ऋण को चुकाने के लिए पच्चीस हजार रुपये किसी को चेक के रूप में दे दिए अब आपके बैंक में पांच हजार रुपये माइनस में दिखाई देंगे और इसी सुविधा का नाम ओवर ड्राफ्ट है बैंक में पैसे माइनस में होना और यह सुविधा सिर्फ और सिर्फ चालू खाते पर व्यापारियों को दी जाती है करंट अकाउंट में सेविंग अकाउंट में ऐसी कोई सुविधा बैंकों के द्वारा नहीं दी जाती परंतु विद्यार्थियों आपको इस बात का ध्यान रखना है यदि प्रश्न में ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है आपके सोचने का नजरिया बिल्कुल भी नहीं बदलेगा जैसे आप पहले सोच रहे थे बिल्कुल वैसे ही सोचेंगे तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष बीस हजार रुपए इस बार आपको पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है और अब आपको पहुंचना होगा कैशबुक पर तो आपको यह सोचना है कि, कि किसी भी गलती का कैश बुक पर क्या प्रभाव पड़ा यदि बुक दी हुई गलती के कारण बढ़ जाती है तुलना करने पर तो आप भी बढ़ जाएंगे और यदि कैशबुक दी हुई गलती के कारण घट जाती है तो आप भी घट जाएंगे चलिए चलते हैं अगली एंट्री पर अधिविकर्ष पर ब्याज बैंक ने आपके ओवरड्राफ्ट पर आप पर ब्याज लगाया बैंक कम हो गया परंतु आपको तो यह नहीं पता कि बैंक ने इस तरीके का कोई ब्याज आपके बैंक के खाते में से काट लिया है इसका मतलब पासबुक में से कुछ पैसे कट चुके हैं और पासबुक का बैलेंस नीचे जा चुका है और कैशबुक में इस बात की खबर ना होने के कारण कैशबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है और अच्छे से समझते हैं इस चीज को कैशबुक और पासबुक दोनों में ही दस दस हजार रुपये का मान लेते हैं किसी दिन शेष था बैंक वालों ने दो हजार रुपये आपके ऊपर ब्याज लगाया पासबुक दो हजार से नीचे आती है परंतु हमें इस बात की कोई खबर नहीं कैशबुक दो हजार रुपये से कम नहीं हुई कैशबुक वैसे ही रही जैसी थी कैशबुक में दस ही हजार रुपये रह गए इसका मतलब कैशबुक बढ़ी हुई है और आपने पहुंचना कैश कैशबुक पर है इस कारण आप भी बढ़ जाते हैं यह हुआ आपकी पहली प्रविष्टि का हल चलते हैं अगली प्रविष्टि पर बैंक द्वारा दी गई बीमे की किस्त विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूँगा एक बैंक व्यापारी के लिए कई तरह की सुविधाएं लाता है जैसे हर महीने कटने वाली किश्तें व्यापारी से बिना पूछे ही कट जाती हैं और कैशबुक में इस चीज़ के बारे में कोई खबर नहीं आ पाती क्योंकि पासबुक में से किश्त के पैसे कट चुके हैं बैंक में से पैसे कम हो चुके हैं और क्योंकि कैशबुक में इस चीज़ की कोई खबर नहीं तो कैशबुक का बैलेंस बड़ी सीधी सी बात है बढ़ा हुआ दिखाई देगा क्योंकि कैशबुक में उस तरह के भुगतान की कोई भी खबर नहीं पहुंची है आइए और अच्छे से समझते हैं मान लीजिए कैशबुक और पासबुक दोनों में ही दस दस हजार रुपए हैं दो सौ रुपए की बीमे की किश्त बैंक से जा चुकी है परंतु कैशबुक में खबर ना होने के कारण कैशबुक में बैलेंस दस हजार रुपये ही है पासबुक में दो सौ की कटौती हो चुकी हमें बैलेंस गिवन है पासबुक का तो हमें सोचना है कैशबुक के हिसाब से कैशबुक दो सौ रुपये से बढ़ चुका है और क्योंकि दो सौ रुपये से बढ़ चुकी है कैशबुक तो हम भी जमा राशि में दो सौ रुपये लिख देंगे आगे चेक जो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए पैंसठ सौ रुपये यदि हम किसी को चेक इशू कर दें तो वह हमारी कैशबुक में से उसी वक्त काट दिए जाते हैं मतलब कैशबुक में कटौती कर दी जाती है और बैंक में अगर वह प्रस्तुत नहीं हुए हैं तो बैंक में से कोई कटौती नहीं होती और हमने देखा कि हम तो उसको कैशबुक में से काट चुके हैं कैश बुक में से भुगतान हो चुका है अब कैशबुक में से यदि भुगतान हो चुका है तो कैशबुक तो कम हो चुकी और हमको सोचना भी कैशबुक के हिसाब से ही है हमें सोचना रोकड़ बही के हिसाब से ही है तो कैशबुक से क्योंकि चीजें कट चुकी तो उसको हमने माइनस राशि में लिखा चलते हैं अगली प्रविष्टि पर जमा चेक जो अभी संग्रहित नहीं हुए छे हजार रुपए जब आपने चेक जमा कराया तो कैशबुक में तो उसको आप प्लस कर चुके लेकिन बैंक वालों ने अभी तक वह छह हजार रुपए जमा नहीं किए हैं बैंक वालों ने वह छह हजार रुपए अभी तक जमा नहीं करे हैं बैंक में पैसे कम हैं। परंतु आपने कैशबुक के अंदर वह छः हजार रुपये जमा कर लिए हैं मान लीजिए आपने मुझे छः हजार रुपये की फीस का कोई चेक दिया वह छः हजार रुपये मैंने कैश बुक में तो लिख दिए कैशबुक में रकम बढ़ चुकी परंतु बैंक वालों ने अभी तक वह चेक जमा नहीं किया इसका मतलब कैशबुक में छः हजार रुपये बढ़ चुके हैं और हमें पहुंचना भी तो कैशबुक पर ही है तो कैश बुक में छः हजार बढ़े होने के कारण उसको हम प्लस में लिख रहे हैं ठीक है विद्यार्थियों अब हम चलते हैं अगली प्रविष्टि पर बैंक द्वारा गलती से नाम राशि देखिए बैंक ने पांच सौ से हमें डेबिट किया मतलब बैंक ने गलती से पांच सौ रुपए की कटौती कर दी बैंक ने यदि कटौती कर दी है तो बैंक का बैलेंस नीचे जा चुका है परंतु ऐसी कोई गलती कैशबुक में तो नहीं हुई इसका मतलब कैशबुक में पाँच सौ रुपये ज़्यादा हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण को समझ मान लीजिए कैशबुक और पासबुक में दोनों में ही एक दिन दस दस हज़ार रुपये का शेष है और गलती से बैंक ने पाँच सौ रुपये हमारे खाते में से गलती से काट लिए परंतु कैशबुक में ऐसी कोई गलती नहीं होती है अब आप तुलना कर लीजिए कि कैशबुक और पासबुक दोनों में किसका शेष ज्यादा है कैशबुक का पांच सौ से और हमें सोचना भी कैशबुक के हिसाब से ही है अब कैशबुक का पांच सौ रुपए से शेष बढ़ा हुआ है तो हम भी पांच सौ से बढ़ जाएंगे और इस तरह इस प्रश्न की सभी प्रविष्टियां पूरी होती हैं और अब देखते हैं राशि नेगेटिव छब्बीस हजार पांच सौ में से जमा राशि को घटाने पे आपको प्राप्त हुआ रोकड़ बही के अनुसार शेष जो है सत्रह हजार आठ सौ रुपये इस तरह से यह प्रश्न पूरा होता है हमने पासबुक के द्वारा दिए गए शेष का एक ही प्रश्न करा है तो चलिए एक और प्रश्न पढ़कर इस तरह के सवाल और पक्के कर लिए जाए हमने अभी तक अधिविकर्ष का एक ही सवाल किया है अब हम एक और प्रश्न अधिविकर्ष का कर लेते हैं ताकि यह सवाल भी पक्के बाकी के सवालों की तरह हो जाए देखिए राकेश की रोकड़ बही 31 मार्च 2005 को आठ हजार रुपए का अधिविकर्ष दिखा रही है विद्यार्थियों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अधिविकर्ष की एंट्री सिर्फ और सिर्फ पहली एंट्री होगी और वह माइनस में दिखा दी जाएगी और उसके बाद सोचने का तरीका बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा आमतौर पे आप अपना रहे थे यदि आपको रोकड़ बही का शेष मिला हुआ है तो आपको पासबुक के अनुसार सोचना है जैसा कि इस प्रश्न में हमें तो दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट तो आपको दिया हुआ है परंतु वह कैशबुक का है तो आपको पासबुक का बैलेंस पता लगाना है तो चलिए सोचते हैं पासबुक के हिसाब से यदि आपको ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो आप नेगेटिव से ही शुरू करेंगे देखिए प्रश्न एक एक करके गलतियां बताता है उसने बैंक में दो हजार रुपए का चेक जमा करवाया लेकिन उनका संग्रहण नहीं हुआ यदि आपने दो हजार रुपए का चेक बैंक में जमा कराया लेकिन वह अभी तक बैंक में प्राप्त नहीं हुआ इसका मतलब बैंक में शेष कम है और यदि आपको कैशबुक का शेष दिया हुआ है तो आपको सोचना पासबुक के हिसाब से है दो हजार रुपये बैंक में नहीं आए तो दो हजार रुपए बैंक में कम है तो आप भी कम हो जाएंगे अगली प्रविष्टि है उसने आठ सौ रुपए के चेक जिनका भुगतान नहीं हुआ था हमने किसी को भुगतान के लिए आठ सौ रुपए के चेक दिए लेकिन बैंक में से वह आठ सौ रुपये अब तक क्लियर नहीं हुए इसका मतलब वह आठ सौ रुपये अभी भी बैंक में ही है इसको हमको उदाहरण देकर समझना चाहिए मान लीजिए किसी दिन कैशबुक और पासबुक दोनों में ही पाँच पाँच हजार रुपये उपलब्ध थे आपने आठ सौ रुपये के चेक भुगतान के लिए दिए तो कैशबुक में तो वह हुए बयालीस सौ परंतु पासबुक में से अभी तक इस तरह का कोई भुगतान नहीं हुआ तो पासबुक में बैलेंस पांच हजार ही है इसका मतलब पासबुक में आठ सौ रुपए ज्यादा है और हमको पासबुक के हिसाब से ही सोचना है पासबुक में आठ सौ रुपए ज्यादा अर्थात आप भी हो गए ज्यादा अब चलते हैं अगली प्रविष्टि पर अगली प्रविष्टि कहती है बैंक ने उसके खाते को साठ रुपए ब्याज व सौ रुपए के बैंक शुल्क के लिए नाम किया हुआ है बैंक ने सौ रुपए के ब्याज से भी उसके बैंक में कटौती करी और साठ रुपए का कोई शुल्क दोनों ही बातों में बैंक ने उसके बैंक खाते से कटौती करी और जिसकी खबर कैशबुक में बिल्कुल भी नहीं है मान लीजिए कैशबुक और पासबुक दोनों में ही किसी दिन एक एक हजार रुपये उपलब्ध थे शेष थे बैंक ने सौ और साठ एक सौ साठ रुपए से कटौती करी शुल्क के लिए व ब्याज के लिए क्योंकि हमको बैंक ओवरड्राफ्ट प्रश्न में दिया हुआ है तो बैंक हमसे ब्याज लेगा तो बैंक ने सौ रुपये का ब्याज लगाया जिसके कारण बैंक कम हुआ साठ रुपये का कोई शुल्क लगाया जिसके कारण बैंक कम हुआ परंतु दोनों ही बातें कैशबुक में पता नहीं इसका मतलब कैश बुक रह गई हज़ार और पासबुक में दिखे आठ सौ चालीस और बैंक हुआ एक सौ साठ से कम सौ रुपए से एक बार और साठ रुपए से एक बार तो इस तरह दोनों ही चीज़ें अलग अलग आपको दिखानी होगी और इस प्रश्न की भी सभी प्रविष्टियाँ खत्म होती हैं और बैलेंस करना आप भली भांति जानते हैं दस हज़ार एक सौ साठ में से गए आठ सौ आपको प्राप्त हुए नौ हज़ार तीन सौ साठ दिया हुआ बैलेंस था रोकड़ बही का परंतु आपने निकाला बैंक पुस्तिका का यह कहलाता है बैंक पुस्तिका का शेष मतलब बैलेंस एज पर पासबुक तो इस तरह हमने बैंक समाधान विवरण के सभी तरह के प्रश्नों का हल किया यदि कभी कैशबुक का बैलेंस दिया हो तो पासबुक के हिसाब से सोचना है यदि पासबुक का बैलेंस दिया हो तो आपको कैशबुक के हिसाब से सोचना है यदि अधिविकर्ष हो मतलब ओवरड्राफ्ट हो तो पहली जो भी प्रविष्टि होगी वह माइनस में दिखा दी जाएगी और सोचने का तरीका बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा आप पहले सोच रहे थे सभी तरह के प्रश्न कराए जा चुके हैं अब सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आपकी पाठ्यपुस्तक में जितने भी इस तरह के प्रश्न हैं आप सब उन सभी प्रश्नों का अभ्यास करें धन्यवाद